बडी, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम एक नई डिश बनाना स्टार्ट करते हैं, पूड़ी विद काले चने। बहुत ही यमी रेसिपी होती है, आप इसे ब्रेकफास्ट और लंच कभी भी बना सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर काले चने लिए हैं। इन चनों को हमने रात भर भिगा के और अब इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ये इस तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। के साथ अब हमने एक कढ़ाई में जो है वो मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब हमने मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे। हींग के साथ ही हमें जीरा ऐड करना है इसके अंदर। जीरा जब तड़कने लग जाए तो यहाँ पर हमने जो है वो टोमेटो की प्यूरी बना ली है। हमने घिस लिया है टोमेटो को, 2 से 3 टोमेटो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे। टोमेटो डाल के, प्यूरी डाल के अब हमें इसे भूनना है। इस तरीके से आप इसे चलाते जाएं, वरना ये नीचे से लग सकता है। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका टोमेटो का जो है वो पानी ना सूख जाए, ताकि इसका कच्चापन निकल सके। तब तक हम इसे चलाएंगे। इसमें जो है मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो हमारा मसाला जो है वो प्रॉपर भुन चुका है इसमें। अब हम इसमें और चीजें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो है वो छोले हमारे जो बॉईल करे हुए हैं वो उसको ऐड करेंगे। सारे छोले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिलाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो छोलों में अच्छे से लग जाए। हम इसके अंदर जो है सबसे पहले जो जिंजर जूलियंस ऐड करेंगे। आप जिंजर को ग्रेट करके डालिएगा इसके अंदर। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से जो है मसाले और सब चीजें छोलों के अंदर ऐड हो सके, मिक्स हो सके अच्छे से और पक सके थोड़ी देर। अब हम इसे थोड़ा पकने देंगे। इस तरीके से आप इन काले छोलों को जरूर बनाएं, क्योंकि ये ग्रेवी वाले से भी बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। आप इसे कंजका में, अष्टमी नवमी में जो छोले बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं ये। हमारे छोले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे हरी मिर्च जो है वो अब हम ऐड करेंगे बनने के बाद। अच्छा, नमक के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने छोले उबाले थे तो हमने नमक डालकर उबाला था, तो नमक आप उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। अब हम हरी धनिया ऐड कर देंगे। सो गाइज, हमारे छोले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इस तरीके से जरूर बनाएं। अब हम जो है वो पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर पूड़ी का आटा तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है, जिसमें हम जो मोन के लिए है वो ऑयल डालेंगे। इसी के साथ साथ हम सॉल्ट भी डालेंगे थोड़ा, और हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। और इसके साथ ही हम जो कस्तूरी मेथी होती है उसको भी डालेंगे। कस्तूरी मेथी को जो है वो हाथ से थोड़ा सा मसल के डालेंगे। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि मोन जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें धीरे धीरे जो है पानी डालते हुए इसको आटा जो है वो गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा आटा जो है वो गूंदकर रेडी हो गया। अभी हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे, और उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट रेस्ट के बाद हम इसको जो है हम चिकना कर लेंगे।
गाइस अब हमारा जो पूड़ी का आटा है वो काफी देर रेस्ट हो चुका है, अब हम इसे जो है मल कर जो है वो सॉफ्ट कर लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे आटे को पूड़ी के लिए। गाइस आप देख सकते हैं अब हमारा आटा जो है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब हम इसकी पूड़ियां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम छोटे छोटे पेड़े जो है वो काट कर इस तरीके से हम इसको कर लेंगे बनाने के लिए पूड़ियां, एक ही साइज के हम बनाएंगे। ये इस तरीके से एक लॉट लेके हम इस तरीके से बेल लेंगे और चाकू की सहायता से हम इसको छोटे छोटे इक्वल साइज के पेड़े जो हैं वो काट लेंगे। तो इस तरीके से राउंड करके दबाएंगे, प्रेस करेंगे और रखते जाएंगे। गाइस अब हम पूड़ियां बेलनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको पूड़ियां बेल लेनी है एक एक करके सारी। गाइस अब हम एक एक करके पूड़ी डालते हैं इसके अंदर फ्राई होने के लिए। हमारी पूड़ी जो है वो फूलकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरी पूड़ी भी इसी समय हम डाल देते हैं। देखिए पूड़ी एकदम फूलकर और बहुत बढ़िया तैयार हुई है। इसी तरीके अब हम सारी पूड़ियां एक एक करके तैयार कर लेंगे। सो गाइस हमारी पूड़ी और छोले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप भी इसे जरूर ट्राई करिए रेसिपी को। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ।